देख रहे हैं केवल बिहार में जाति जनगणना का हाई कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाया। इसका फैसला आज आने वाला है, लेकिन उससे पहले बिहार की सियासत तेज है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके नियत में खोट है, हम लोग न्यायालय का जो फैसला आएगा उसका स्वागत करेंगे। दरअसल हाई कोर्ट के फैसले आने के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाया था। सुनिए विजय कुमार सिन्हा ने आगे क्या कहा। इनके नियत में खोट था, इसलिए माननीय न्यायालय ने रोका है। जब इन्होंने शपथ पत्र भर के दिया है तो माननीय न्यायालय ने ही आदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी शुरू में भी समर्थन किया था। ये 33 वर्ष में इस मामला को क्यों लटका के रखें, 33 वर्ष में गरीबों के विकास की बात को क्यों नहीं किए, और जातीय जनगणना से लॉ एंड ऑर्डर कहाँ प्रभावित हो रहा है, जातीय जनगणना से शिक्षा सुरक्षा सिंचाई स्वास्थ्य कहाँ प्रभावित हो रहा है, आम गरीबों के लिए सबके लिए क्यों नहीं अपनी काम को कर रहे हैं। सिर्फ भटकाना है, लटकाना है, लोगों को बरगलाना है, उन्माद पैदा करना है, यही मनसा सरकार की, यही नीयत में खोट सरकार की है।